मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मशहूर लॉयर पीस एक्टिविस्ट अवैस शेख साहब। शेख साहब, आप सरबजीत के वकील हैं, जो हमारे भारत के किसान हैं, जो 20-21 साल पहले गलती से सरहद को लांघ कर चले गए थे आपकी तरफ, और उनको मनजीत सिंह बताकर एक फर्जी केस में सजाए मौत सुना दी गई। आप उनका केस लड़ रहे हैं, तो आप बताएंगे इस वक्त केस की एक्चुअल स्टेटस क्या है और सरबजीत कब तक उनकी रिहाई की हम लोग उम्मीद करें? सरबजीत का केस, इसमें कोई शक नहीं है, ये मिसटेकन आइडेंटिटी का केस है और गलत फहमी में उसको पकड़ा गया था और इसका मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी हुआ है। और सरबजीत को तो अदालत में सुना ही नहीं गया, यानी 19 साल एक और वकील साहब के पास रहे केस, और रिव्यू पिटीशन जो थी उन्होंने दाखिल की है उसको उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। सिर्फ दो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए और दूसरे नोटिस पे भी वो नहीं गए, तो एक तरफा तौर पर एक्स पार्टी फैसला करके तो डेथ पेनल्टी जो थी उसको कंफर्म कर दिया गया। तो ये तो इंसाफ नहीं है, कभी डेथ पेनल्टी के केसेस में एक्स पार्टी फैसला नहीं होता। तो ये उनको 2-4-5 नोटिस इशू करते हैं और फिर भी हाजिर ना होते वकील साहब, तो फिर स्टेट को कहते कि कोई अपॉइंट करो वकील। तो ये और ये केस FIR में तो उसका नाम ही नहीं है। जब 3.5 साल पहले मुझे ये केस मिला था तो जरा मुश्किल हालात थे, काफी मुझ पर दबाव था, मैं उसको संभालता रहा और केस में डूबा रहा और मेरी तवज्जो इस पर रही कि ये जिसके नाम केस है मनजीत सिंह, ये कौन है, क्या है, इसको ये पकड़ा गया था या नहीं पकड़ा गया था, या इसको भगा दिया गया या वो खुद भाग गया। तो मैंने सोचा कि अगर इस पर मैं कामयाब हो जाऊं कि मैं उसको ढूंढ लूं तो फिर सरबजीत की रिहाई के इम्कान निकल आएंगे। तो मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और नेट से मुझे इंटरनेशनल मीडिया से बैरिस्टर जेसबी रूपल हैं लंदन यूके में प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मटेरियल भेजा, दलबीर कौर ने भी उसमें मेरी मदद की, और फिर मुझे पाकिस्तान से भी मटेरियल मिल गया। उन दिनों जब 1990 में बॉर्डर पे बाढ़ नहीं होती थी जी, तो उस वक्त की बात है जब सरबजीत खेतों में काम कर रहा था और गलती से उधर निकल गया और उसको मनजीत सिंह समझ के, और पहले से केस रजिस्टर था मनजीत सिंह के खिलाफ, तो उसको पकड़ के उन्होंने कहा यही मनजीत सिंह है और उसको मजिस्ट्रेट ने उसको फांसी की सजा सुना दी और आगे वो चलता रहा। तो ये मिसटेकन आइडेंटिटी का केस जो है वो हुआ। और फिर उस वक्त आपके पंजाब में एक तहरीक चल रही थी खालिस्तान की जी बिल्कुल, और सिख जो थे वो उसमें बड़े नुमाया थे और पाकिस्तान में जियाउल हक था जो सिखों को सपोर्ट कर हो रही थी मुखालफत की वजह से इंडिया के, तो उसमें उस मौके पर वो एक डबल एजेंट के किरदार के तौर पर वो पाकिस्तान आता जाता रहा और फेक डॉक्यूमेंट, उसके फेक पासपोर्ट कई नामों से, फिर वो वहां से एक दीनी इस्लामी मदरसे का सर्टिफिकेट लेके आया और दाढ़ी मुंडवा ली और आके कहा मैं उसमें लिखा हुआ मैं मुसलमान हो गया और वहां एक गवर्नमेंट ऑफिसर की लड़की से शादी कर ली मनजीत सिंह ने जी, और उस लड़की की फोटो है, मैंने किताब जो छापी है सरबजीत सिंह का केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी आप उसमें देखेंगे। फिर उसने हमारे चीफ मिनिस्टर गुलाम हैदर वाई को उसमें बुला लिया शादी पे, वो भी फोटो है, पिछली बीवी को जो तलाक दे के आए वो फोटो है। फिर जब सरबजीत यहाँ पर पकड़ा गया तो वो यहाँ से सीधा कनाडा चला गया, कनाडा में वो 3 साल गिरफ्तार रहा और वहां भी उस पर मर्डर चार्जेस थे और बड़ी फ्रॉड किए हुए और क्या क्या, तो वहां ये सारे सबूत लेके मैं हाँ, और उसका ओरिजिनल विजिटिंग कार्ड, ओरिजिनल लेटर जो मेरे एक दोस्त को उसने भेजा था जिसने उसका इंटरव्यू किया था, तो ये मैं इंडिया आ गया और दलबीर कौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाया, और जब मैं वापस गया तो फिर वो यहाँ अरेस्ट हो गया, इंडिया आया हुआ था और बाद में उसकी जमानत होगी। तो मैं मानता हूँ कि मनजीत सिंह को के बारे में ये साबित करना कि उसी ने वो किए हैं, ये इसके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन सरबजीत सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना चाहिए था। दिल्कुण, दिल्कुण। और मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हुए थे उस वक्त तक उसकी आइडेंटिफिकेशन के, तो मैं वो कैसे पेश करता, सुप्रीम कोर्ट ने तो आगे रास्ते ही बंद कर दिए। अब केस जो है, और मैं ये है, अब मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा दबाव नहीं है, अभी मैंने किताब लिखी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान लेके जाऊंगा, पाकिस्तान के लोग समझदार हैं। तो शुरुआत में मुश्किलें थी, शुरुआत में मुश्किलें थी जब आपने केस को लिया, अब वहां पर
अब कोर्ट ने मेरा साथ दिया, कोर्ट ने आपका मैंने, साथ मैं दिया। और इंडिया के जो प्रिजनर्स हैं उनको छुड़ाने के लिए अब कोर्ट ने मेरा साथ दिया। सुरजीत सिंह को मैंने छुड़वाया है, भावेश परमार यंग इंजीनियर है, उसके अलावा सतिंदर पॉल एक है, कार्ले भानुदास, इस तरह से अब कोर्ट जो है वो इस हक में फैसला कर रहा है कि इनको छोड़े। और हमारे चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया मेरे केस में कि 32 इंडियन प्रिजनर जो के हु हैव कंप्लीटेड देयर टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, सजा खत्म होगी, उनको छोड़ो फौरन। और इसी तरह से इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, मेरे दोस्त भीम सिंह जो इंडिया के कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वहां भी फैसला हुआ। लेकिन अब भाईजान बात यह है कि मेरे केस में तो थोड़े 5-7 अभी तक रिहा हुए हैं, कितने साल हो गया ऑर्डर को, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में हाल है। जो हुकूमतें और ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्लो मूविंग है, कोर्ट से ऑर्डर होने के बावजूद रिहा नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ 32 नहीं, हमें जानकारी है कि इंडिया के कम से कम 1000 ऐसे मिस्टेकन आइडेंटिटी वाले लोग हैं या गलती की वजह से जो है वहाँ की जेलों में बंद हैं, ऐसे 1000 लोग हैं, उन लोगों का क्या होगा, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 1000 की बात नहीं है, ऐसे नहीं है। जो लिस्ट है इंडिया पाकिस्तान के प्रिजनर्स की मैंने इसमें रखी है, लेकिन अब एग्जैक्ट लिस्ट एक वक्त में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि प्रिजनर ये जो फिशरमैन है वो छोड़ते रहते हैं दोनों मुल्क एक दूसरे से मायदा करके। तो अभी सरबजीत की रिहाई के लिए मर्सी पिटीशन सरदारी साहब के पास है, सरबजीत के सिग्नेचर हुए हैं और वो एक्टिवली कंसीडर हो रही है। मैं पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके इस चैनल के जरिए से, मीडिया के जरिए से, कि वो सरबजीत के की रिहाई जो है अंडर आर्टिकल 45 द कॉन्स्टिट्यूशन उनको इख्तियार है, वसी इख्तियार है, तो उसको इस्तेमाल में करते हुए सरबजीत की रिहाई करें और 1 अरब 25 करोड़ अवाम दिल भी जीतेंगे और इंडिया पाकिस्तान के आपसी तल्लुकात के लिए अच्छी फिजा पैदा हो। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सरबजीत से कितनी बार मिले हैं और आखिरी बार कब मिले हैं? मिलता रहता हूँ तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर हैं, और जाने से पहले मुझे थोड़ा मुश्किल हुई थी, कोर्ट जाना पड़ा, दोबारा से फिर ऑर्डर हुए तो मैं उसको मिल के आया। तो अभी लास्ट बार आप कब मिले उनसे? ये आने से पहले, आने से पहले 1.5 महीना हो गया। हाँ जी, तो अभी वो कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक? जी 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 जी, बेहतर है। मैं उसको मिलता रहता हूँ, उसके मैसेज देता रहता हूँ, कुछ चीजें जो कहता है वो भी देता रहता हूँ, और वो उसकी सेहत अब और उसको अच्छा लुक आफ्टर वो कर रहे हैं। आप शेख साहब जिस किताब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो किताब मेरे पास है, उसको मैंने सरसरी निगाह से पढ़ा है, हिंदी में वो सरबजीत सिंह की अजीब दास्तान के नाम से वो किताब है, राजकमल ने इसको छापा है। इंग्लिश में सरबजीत सिंह केस ऑफ मिस्टेक एंड आइडेंटिटी, और हिंदी में सरबजीत सिंह की अजीब दास्तान। अभी इसमें सरबजीत सिंह की एक चिट्ठी में पढ़ रहा था, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि उनके पैरों में बड़ी तकलीफ रहती है। मैं आपको दिखाता हूं कि उस चिट्ठी में लिखा क्या है उन्होंने। माय डियर सिस्टर, सत श्री अकाल, मैं आजकल काफी परेशान हूं क्योंकि मेरे बाईं टांग में इतनी दर्द रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब दर्द होती है तो मेरी चीखें निकल आती है। यहाँ जो इलाज होता है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर रात को दर्द हो तो रात के ड्यूटी वाले दवाई जाकर देने के बजाय उल्टा मजाक उड़ाते और कह कहे लगाकर हंसते हैं। योर्स ब्रदर सरबजीत सिंह। सरबजीत के पैर में ये तकलीफ कैसे शुरू हुई और अभी क्या हालत है? क्या उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट मिल पा रहा है ठीक से? हाँ जी, आने से पहले सरबजीत सिंह ने मुझे लेटर दिए थे अपनी सिस्टर को देने के लिए, हिंदी में थे। जी जी, और मैं जैसे मेरी रूटीन है मैंने जाके दलबीर कौर जी को दे दिए थे, और फिर अगले दिन अखबारों में इतना बड़ा बड़ा आ गया कि सरबजीत ने लिखा है कि मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश हो रही है, और ये कि मेरे पाँव में तकलीफ बढ़ रही है, और मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, और फूड की क्वालिटी बहुत बुरी है। तो ये फिर यहाँ बहुत बात चली, फिर दलबीर कौर जी के साथ मैं आपके प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मिला जी, जी, और मैंने उनसे ये अर्ज किया कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मैं वापस जाऊँगा तो मैं देखूँगा इसको और इनका सही मेडिकल चेकअप हो। वापस जाके मैंने होम सेक्रेटरी को लिखा और लेटर सबको डाले, तो फिर उसका ये हुआ कि उन्होंने उसको जाके देखा, और फिर मुझे होम सेक्रेटरी का जवाब आया लेटर का कि
हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है और उसके पाँव में वाकई जो दर्द थी एट टाइम्स कभी कभी होती है वो उसको उसको हमने ट्रीटमेंट किया है और वो ही इज फीलिंग वेल। तो ये तो, दर्द जो है क्या टॉर्चर की वजह से हुआ है, जो जेल में टॉर्चर किया जाता है उसकी वजह से हुआ है? नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जेल में उसको टॉर्चर किया होगा शायद शुरू शुरू के वक्त जब पकड़ा होगा उस वक्त किया होगा, अब नहीं। लेकिन नहीं नहीं अब ऐसी बात नहीं, मैं उसको मिलता हूँ और वो तो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है। जी 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 जी, अच्छा लुक आफ्टर हो रहा है, कोई फिक्र की बात नहीं है। एक और चिट्ठी में आपको दिखाता हूँ, एक और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि उनको जान से मारने की एक दौर में कोशिश की गई। एक बात आप भारत सरकार के नोटिस में दे देना कि यहाँ पर कुछ ऐसे मुलाजिम और ऑफिसर हैं जो मुझे जहनी यानी दिमागी टॉर्चर करते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग मुझे पागल करना चाहते हैं या फिर मारना जान से चाहते हैं। क्या क्या सुलूक किया जाता था उनके साथ, क्यों उनको लगता था कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है या मुझे पागल बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वो एक ही यही लेटर है मेरा ख्याल है जिसमें उसने ऐसा कहा था। अब वो निचला तबका जो है जी, निचले के सिपाही होते हैं जो जाते हैं तो वो कोई बात कर देंगे ऐसी जो उसको तकलीफ दे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और सुपरिंटेंडेंट जिम्मेदार हैं, तो फिर इस पर भी उसको सुपरिंटेंडेंट को मैं खुद भी मिला और उन्होंने बहुत इसके बारे में कहा कि बहुत ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी बात कोई कर ना दे। और लेकिन मैंने देखा कि जनरली अब सरबजीत के साथ जो आम जो पाने उसकी सर्विस करने वाले या सिपाही होते हैं जो वो उसके साथ बेहतर अब सलूक करते हैं, कोई सुलूक करते हैं। लेकिन लेकिन लोगों की जानकारी के लिए क्या आप बता पाएंगे कि किस किस्म के टॉर्चर किए गए सरबजीत के साथ? आप देखो कि हमारे यहाँ कोई कैदी जी, हमारे पाकिस्तानी कैदी हैं, पुलिस के पास चले जाते हैं तो पुलिस उसको कोई केक तो नहीं खिलाती। या आपके कैदी जो हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उनके उनको उनको उनकी खातर तवाजो एक लफ्ज खातर तवाजो का रखा हुआ है, दिखाने के लिए बताने के लिए भी उगलवाने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो ये प्रोसीजर ये जो होता है पुलिस का वो वही है जो अंग्रेज छोड़ गया था दोनों मुल्कों में। और दोनों मुल्कों में कन्फ्रंटेशन ना होती, सरबजीत जैसे केस होते ही ना होते ही। और आपने अब वो बहुत अच्छा किया, प्रोफेसर खलील चिश्ती को रिहा कर दिया, तो हम ये समझ रहे थे कि रेसिप्रोकेट होगा, सरबजीत को भी रिहा किया जाएगा। लेकिन अब मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि जरदारी साहब अपनी हुकूमत जब मार्च में खत्म हो रही है उससे जाने से पहले उसकी रिहाई का ऐलान करेंगे। हाँ। पाकिस्तान के मीडिया की जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फेयर है, लेकिन क्या पाकिस्तान का जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत दकियानूसी किस्म का मीडिया है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दकियानूसी की बात। अभी पाकिस्तान का मीडिया कितना फ्री है अभी तो भाई पूरी दुनिया का, और कितना सेक्युलर है और कितना प्रोग्रेसिव है अभी देखे ना, कितना दुनिया इतनी करीब आ गई है और कम्युनिकेशन अब गैप नहीं रहा। किसी जमाने में इंडिया पाकिस्तान के अखबार ही नहीं ले जाने देते थे, अब तो नेट पे सारे अखबार सारे कर लो, तो अब सच को छिपाना आसान नहीं है। लेकिन एक आप ही की किताब में मैं देख रहा था, द नेशन के संपादक के बारे में आपने लिखा कि उन्होंने एक जगह पर एक सभा में सेमिनार में जाकर भारत विरोधी नारे लगाए और सरबजीत को फांसी देने की भी मांग की। दलबीर कौर आई थी जब मेरा इन्विटेशन पे अकेली आई थी तो 2010 में, तो फिर वो हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरबजीत से मिले, हाईकोर्ट में जाना पड़ा, उसने इजाजत दे दी थी, तो काफी मीडिया में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि दलबीर कौर ने कुछ अपील की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि दोनों मुल्क जो एक दूसरे के कैदी छोड़े, तो शायद कुछ किसी तरह से कोई ऐसा किसी ने लफ्ज लिख दिया हो या उनको इम्प्रेशन पड़ा हो आपके मीडिया को, उन पर सवाल उठे कि जी आप क्या मतलब अजमल के साहब को एक्सचेंज करने का कोई है या कुछ ऐसा है। तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उसकी तरदीद की थी, तो ये उस अखबार ने इस तरह की बात नवाई वक्त जो है उसने ये लिख दिया था कि दलबीर कौर ने कहा है कि वो अजमल के साहब के बदले इसको बदलो सरबजीत को, हालांकि ये झूठ था। तो फिर और तो आपने नोटिस भेजा था, नोटिस भेजा था आप माफी मांगो, और बाद में फिर उन्होंने तरदीद कर दी थी उसकी। बाकी आपकी ये बात के उस वक्त इसी अखबार के एडिटर ने वहां पर बहुत बड़ा कट किया और कहा कि ये तो वो अब हमारे यहाँ
इस तरह के भी हैं, सारे लोग ऐसे मेरे पुतले भाई जलाते हैं उसमें वो क्या आपके पुतले तो जलाएंगे ना, आप शांति की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, वो ऐसे होते हैं लेकिन मेजोरिटी जो है पाकिस्तान की वो सरबजीत की रिहाई पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में और है कि क्या पाकिस्तान के मीडिया में जो लोग हैं वो दहशतगर्दों से डरते हैं? अब ये जस्टिस कातियों ने कहा तुम पाकिस्तान में बड़ा डेंजरस काम कर रहे हो सरबजीत का केस लेके, तो अपना जरा ध्यान रखा करो। और उन्होंने एक आगे बात की कि जब किसी के पास बम होता है या गोली होती है या कुछ और, तो फिर वो इर्द गिर्द के लोग सब भाग जाते हैं, तुम अकेले रह जाते हो, इस तरह की बात की थी। खैर एनीवे, मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी जगह पर भी कोई बम चल जाए या कोई ऐसी हरकत हो जाए तो लोग अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भाग ही जाते हैं ना। तो ये बात है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी को, सिविल सोसाइटी को बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, वो अक्सरियत में है लेकिन वो खामोश है, तो क्या फायदा। अभी 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 आपके यहाँ जो क्वेटा में घटना हुई है जिसमें 125 लोग मारे गए हैं, उसमें एक टीवी जर्नलिस्ट सैफुर रहमान भी जो है मारे गए हैं। मैं उनको इंडिया के जर्नलिस्टों की तरफ से ट्रिब्यूट देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों का जो एक फ्रीडम है वो बना रहे। अब हम शेख साहब आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की जनता के बारे में सोचते हैं? सोचना चाहिए। नहीं सोचते, नहीं तो सोचते नहीं सोचना चाहिए। हाँ। अगर अवाम की तमन्नाओं पर चलें, उनकी उनको देखें तो करप्शन खत्म करें सबसे पहले, रूल ऑफ लॉ करें सबसे पहले, और ये गवर्नेंस को अच्छा करें। कहां सुनते हैं अवाम, तो सड़कों पे आके आपके यहाँ भी ऐसा ही हो रहे तो एहतजाज करते हैं, भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो पाकिस्तान के हुक्मरान भी अपनी जनता के लिए, अपनी पब्लिक के लिए उसी तरह से बेईमान है जिस तरह से हिंदुस्तान के हुक्मरान अपनी पब्लिक के लिए बेईमान है? नहीं, मैं ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अवाम की तमन्नाओं को देखना चाहिए और सियासत को इबादत के तौर पे देख के तो करप्शन नहीं करनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हाथ में चला गया है? नहीं, उसके खिलाफ नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, उसके खिलाफ जिद्दोजहद हो रही है और हम पूरी जुर्रत के साथ फौज और अवाम जो है उनका उनका उनको कुचल के दम लेंगे। दहशतगर्द हावी हो गए हैं लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान अभी उनके हाथ में नहीं गया। हाँ, परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ में पाकिस्तान नहीं है। खुदा करे, खुदा ना करे कि कोई ऐसी बात कभी भी हो। पाकिस्तान के जो अमन पसंद अवाम है, हुकूमत है, फौज है, हम उनको कुचल के रख देंगे। हम अमन को, दहशतगर्दों को आप कुचल कर रख देंगे। क्या जब भी पाकिस्तान की सेना भारत से युद्ध ठानती है तो क्या पाकिस्तान के आम अवाम का उसको सपोर्ट रहता है? ये तो किस्सा ही माजी हुआ, वार का तो कोई लफ्ज ही इस्तेमाल ना करें। अब तो दोनों मुल्क जो है इससे बहुत दूर है और नफरत करते हैं और वार से कभी कोई जीता नहीं है, और अब जमाना और ये सदी अब अमन के लिए है, अब इसको अमन के लिए ही रहने दें। कोई भी शख्स इस तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ेगा, वार का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वार से, इस तनाव से, इस टेंशन से पाकिस्तान को नुकसान होता है, आप ये मानते हैं? दुनिया के हर मुल्क को नुकसान होता है हुजूर, वार में कोई नहीं जीता। और हमने माजी में क्या किया है, 65 हो, 71 हो, और ये कारगिल हो या दूसरे, कोई फायदा आया है? अब मुझे बताओ, दोनों मुल्कों का नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए जंग में कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, पीछे चले जाती है, इक्तिसादियां तबाह हो जाती है। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं? अगर वो अपने तौर पे किसी जगह पे खुफिया तरीके से कोई बम बनाने का चला रहे हैं, काम कर रहे हैं या कुछ जो जिसको हमारी नजर नहीं पहुंचती, वो अलग बात है, लेकिन किसी की सरपरस्ती में, फौजी हुकूमत की सरपरस्ती में कोई ट्रेनिंग कैंप ना होना। ठीक है, क्या मुंबई की घटना में जब पाकिस्तानी दहशतगर्दों का हाथ साबित हुआ तो पाकिस्तान के आम अवाम ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया? मैं खुद अकेला ही आपसे पहले बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर आ गया था और मैंने कहा था जो बम मुंबई में गिरा है और बंदे मरे हैं वो आप पर नहीं, यूं लगा हमारे दिलों पर गिरा है। दिलों पर गिरा है, तो पाकिस्तान के एक जैसा है भाई। पाकिस्तान की जनता को कम से कम इन चीजों से शर्मिंदगी होती है। देखें, जहां भी इंसान का खून बहेगा वहां पर दर्द महसूस होगा। क्या क्या ये सच नहीं है कि हाफिज सईद एक दहशतगर्द है, हाँ या नहीं? तब आपने इस सवाल को मुस्कुराकर टाल दिया था दूसरे तरीके से। मुझे एक बात बताएं, कोर्ट ने उनकी जमानत की,
ठीक है, अब आप यही सवाल हमारी हुकूमत से पूछते हो तो हमारी हुकूमत क्या जवाब देती है? यही कहती है ना कि भाई कोर्ट ने अभी सबूत नहीं थे तो वो इसलिए वो कोर्ट ने उसको रिहा किया। अब एक बंदे ने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, जब कोर्ट कहती है कि सबूत लाओ और उसके पास सबूत ना हो। ठीक है हाफिज सईद ना आपका है ना हाफिज सईद हमारा है, लेकिन महात्मा गांधी तो हम दोनों के थे। यस, उनको भी आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। हाँ, ये महात्मा गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे जी, जी। और महात्मा गांधी ये पाकिस्तान, मुझे अफसोस है पाकिस्तान में महात्मा गांधी को समझा नहीं गया ना, उनको ना वहां निसाब में है। मैं तो कहता हूँ महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के लिए जान दिए। आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान बना तो मुश्तरिका अपील थी कायदे आजम की और जिना की कि लेट अस बैरी द बिटरनेस ऑफ द पास्ट, लेट अस स्टार्ट लिविंग लाइक गुड नेबर्स। और उन्होंने कहा था पाकिस्तान इंडिया की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है और आपने आलमी अमन के लिए भी काम करना है। और जब पाकिस्तान की मुखालफत की थी गांधी जी ने, और जब पाकिस्तान बन गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं बगैर वीजे के नंगे पांव पाकिस्तान में जाने को तैयार हूं, और पाकिस्तान की फौज का जितना हिस्से का पैसा बनता उनको दो देना पड़ेगा। और एक गॉडसे ने इसी इश्तियाल में आके कि ये तो पाकिस्तान की बात कर रहा है गांधी, तो उसको जाके उसने तो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो ये बात समझनी चाहिए हम और कायदे आजम हमारे पाकिस्तान के जो थे बनाने वाले, उनका क्या 11 अगस्त को उन्होंने स्पीच में कहा था कि रिलीजन इज द पर्सनल फेथ ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। Yes. अब बताओ हमारे लीडरों ने क्या किया पाकिस्तान बनने के बाद, जागीरदारों ने और वो मिलके और मौलवियों ने उसको सारा घेरा डाल के पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाकर उसको चलाने की कोशिश की है, और आज क्यों रुकावट आ रही है? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए और उसमें तरामीम करनी चाहिए। मसलन ब्लास्फेमी लॉ है, गुस्ताखी रसूल, उसको हिंदी में ईश निंदा कहते हैं। अपने दर्शकों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्लास्फेमी रूल, ब्लास्फेमी लॉ है, तौहीन रिसाल। अब उसका इतना मिसयूज हो रहा है, हमारे गवर्नर को मार दिया उसी के गार्ड ने, क्योंकि गवर्नर साहब ने एक वो सलमान तासीर थोड़े दिन पहले ही बिल्कुल गवर्नर हाउस में, और वो इतना जवान और खूबसूरत था, और उसका क्या कसूर था? एक क्रिश्चियन लेडी को इल्जाम लगा दिया कि इसने ये तौहीन की है पैगंबर की, और वो असल में तो कोई शहादत थी नहीं, वो तो मुखालफत ही उस बंदे की, और कोर्ट ने जनाब उसको पकड़ लिया और उसको सजा देने के लिए, और ये जाके वहां गए और उन्हें कहा जी नहीं मैं इंक्वायरी कराऊंगा, और उसको मार दिया पीछे से। और अफसोस की बात यह है कि साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के वो उसके वकील बन गए हैं। तो रिलीजन के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत गलत हो गया। देखिए अब ये एक लंबी डिबेट है, शायद हम मौजू से ना निकल जाएं। मेरे ख्याल में मुसलमान अपने तशख्स खो रहे थे और मुसलमानों की मुआशी हालत बहुत क्या थी हिंदुस्तान में, अपनी आइडेंटिटी खो रहे थे, और कायदे आजम ने या मुसलमानों ने महसूस किया कि आजादी के बाद हमारी हैसियत खत्म होगी, तो फिर उन्होंने ये पाकिस्तान ये मुसलमानों की मुआशी हालत और इक्तसादी हालत जिसे बोलते हैं उसको ठीक, लेकिन मजहबी रियासत बनाने के लिए कायदे आजम ने पाकिस्तान नहीं बनाया था। ये मैं वहां जो मर्जी कहते रहे, हाँ, मेरा अपना ओपिनियन है भाई। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि सेकुलरिज्म का फंडा अगर आज भी पाकिस्तान अपना ले तो वहां पर डेमोक्रेसी अपने आप मजबूत हो जाएगी? डेमोक्रेसी पर रहे तो डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, और डेमोक्रेसी जो है वो जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको देती है। और ये मैं अलबत्ता जरूर कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखो और उसमें तब्दीली करो, ब्लास्फेमी लॉज हैं, ऐसे लॉज जो मिस यूज होते हैं उनको देखो और उनको बदलो। शेख साहब ठीक है, अब हम चलते चलते आपसे एक सवाल ये कर लेते हैं कि आपने सरबजीत को योगा की ट्रेनिंग देने के लिए जेल अधिकारियों को लिखा, आप श्री रविशंकर को भी शायद फॉलो करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि योगा में इस्लाम विरोधी जैसा कुछ नहीं है? हाँ, मैं उसका मेंबर हूँ, श्री रविशंकर की आर्ट ऑफ लिविंग का जी, जी, जी। और मैंने इस पर लिखा भी है टीचिंग योगा टू सरबजीत सिंह, और मैंने कोर्ट में भी कहा था कि मुझे इजाजत दो सरबजीत को योगा सिखाने की, और ऐसा होना चाहिए जो लंबी सजा के कैदी हैं उनको योगा सिखाए ताकि जिंदगी के साथ उनकी नफरत जो है ना रहे। लेकिन पाकिस्तान में तो हर चीज को मजहब से ही जोड़ते हैं, हालांकि भाई ये तो एक पूरी दुनिया योगा करती है, तो इसमें क्या मजहब की बात है? इसमें मजहब की बातें नहीं है। और
और आप लाहौर के हैं और आप पटना आए, तो लाहौर में और पटना में आप क्या फर्क पाते हैं? कुछ भी नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगा अपने शहर में घूम रहा हूँ और इतने अच्छे लोग हैं और इतना ये तारीखी शहर है जो यहाँ की मैंने सब चीजें आके देखी और पता चला और मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ आके, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बड़ी इज्जत हुई है यहाँ। अवैध साहब, आपने जो है बहुत सीधी सपाट बातें की, बहुत ईमानदारी से बात की, सच्चे दिल से बात की, आप मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।